दिलवालों का शहर दिल्ली। एक बार अगर इस शहर में आप आ गए तो यहीं के बनकर रह जाएंगे। इस शहर का मुहपाश ऐसा है कि रास्ते, चौराहे, निगाहें, खाना सब आपको अपने आप से जोड़ लेंगे। छोटी थालियों में परोसा हुआ राजमा चावल का स्वाद ऐसा कि आप छक कर खाने रोज पहुंच जाएंगे। लेकिन इस जायके को आप तक पहुंचाने वाली इन दो महिलाओं को आप जान लीजिए। दिल्ली की सड़कों पर आने जाने वाले भूखों के भूख मिटाती इन हाथों को सलाम भेजिए। सर, मेरा नाम सरिता कश्यप है, मैं पश्चिम विहार में रहती हूँ। आपके जो राजमा चावल और कढ़ी चावल की बात है, जो काफी फेमस है और एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, कितने वर्षों से ये सिलसिला चल रहा है? मेहरबानी सर, आपने फेमस कहा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली खाना मैं खुद ही घर में ही बनाकर लाती हूँ और लोगों को स्वाद अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है, इसलिए फेमस हो गया। अभी मुझे साल होगा, अभी हुआ भी नहीं है, मैंने 9 दिसंबर को स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 9 महीने हुए अभी। कंपनी में आप जॉब करते हैं? जॉब अभी सर वही मेरे कंपनी वाले ही गए हैं, ऑटोमोबाइल। सर 2 बजे थी, जॉब की एंडिंग मुझे पसंद नहीं थी, जिस पोस्ट पे थी उसकी हायर पोस्ट मुझे पसंद नहीं थी, मैं उस एंड को पसंद नहीं कर रही थी। 17 साल देने के बाद, 15 साल और देने के बाद वो 2 पोस्ट मिलनी थी, वो नहीं चाहिए थी मुझे, मैंने देख लिया था, ठीक है, एक रीजन ये था। दूसरा, कुछ ना कुछ बना के बांटने का मेरा बड़ा पुराना सिलसिला चल रहा था। वो क्यों चल रहा था? क्योंकि बचपन से मैंने गुरुद्वारे बंगला साहब में मैंने बहुत लंगर खाया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स थी फैमिली की ऐसी कि हम लंगर खाने जाते थे बंगला साहब में, तो वो कर्जा था मेरे सर पे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे चुकाती थी कुछ। बहुत अजीब लगा सर, बहुत अजीब लगा। 3 महीने लगातार डे नाइट 24 आवर्स मैंने वीडियो देखी, 24 घंटे, ठीक है, 6 महीने नेटवर्क मार्केटिंग करी, ठीक है, उसके बाद ये फाइनल हुआ कि सरिता अब कुछ ऐसा करना है जो भलाई और अपना काम। इस राजमा चावल को सिर्फ आप खाना ना समझें, ये चावल के दाने और राजमा हर उस आते जाते राहगीर को तृप्त करती है जिसके पास ना तो इतने पैसे हैं कि वो खाना खरीद कर खा सके और ना ही इतना समय कि इत्मीनान से 2 पल बैठकर खाने का आनंद ही ले सके। वही अपनापन, वही आत्मीयता हर किसी को दिखा रहा है। वो कहते हैं ना कि पेट भरा होगा तो दिन भी भला होगा, ये यही पहल है। सोच लिया था राजमा चावल बनाने हैं, ये कंफर्म था, क्योंकि मुझे लगता था मेरे में सिर्फ वही स्पेशलिटी है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत अच्छे से खाती है, वो शौक से खाती है, मुझे लगा सिर्फ वही एक ऐसी चीज़ है मैं किसी को खिलाऊंगी उसको पसंद आएगा। बट अपने आप को रोड पे लाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल था, हर रोज़ मुझे बोलना पड़ता था कि नहीं सरिता तू कर सकती है, नहीं सरिता तू कर सकती है। 3 दिन तो मैंने किसी की तरफ नज़र ही नहीं देखी, जब मेरे को कोई बोलता था तो मैं आंखें नीचे करके ही बात करती थी कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले, कोई क्या सोचेगा। 4th दिन मैं सब नॉर्मल हो गया था। जी सर, थैंक यू सो मच। ये सब सर प्यार है, बहन भाइयों का प्यार है, बड़ों का, बच्चों का, यूथ है, बहुत पसंद करता है। 3.5 महीने में लॉकडाउन में थी सर, एग्जैक्टली 3.5 महीने थी, दिखते हैं तो आई हैं सर, पैसे को लेके बहुत आई हैं, क्योंकि मैं सब काम छोड़ चुकी थी, मेरा टोटल अर्निंग यही है, तो पैसे लेके ही चलाया सर, चल गया, मगर ठीक थे, क्योंकि ये था कि जान है तो जहान है, वो वाली मेरे पास पॉलिसी है, ठीक रहोगे तो कमाई लोगे, चल लोगे, आपका ठीक होना रहना ज़रूरी है। सर उनको ना अपने आप को जगाना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, ठीक है, और
भगवान ने जब एज अ फीमेल बनाया है तो वो विल पावर तो दे के ही बनाया है, ठीक है। बट ये है कि बस समझना है उनको कि हम अकेले तो ज़रूर हैं बट हम कर बहुत कुछ सकते हैं अपने में। वो कहते हैं ना विल पावर जगानी अपनी, आसान मेरे साथ भी नहीं था। 17 साल नौकरी करने के बाद परेशानी मेरे को भी आई, बट हाँ मेरे में वो डेडिकेशन था, ये मुझे पता था कि मेरे अंदर डेडिकेशन है, बस दबा हुआ उसको निकालना है। तो ऐसे सबके साथ है। जो लोग यहाँ खाने आते हैं उन्हें प्यार से खाना खिलाया जाता है, पैसे ना हो तो कोई बात नहीं, आप फिर आए खाना खाएं और खा कर जाएं। छुट्टे नहीं, खुले नहीं, बटुए में पैसे नहीं तो बिल्कुल भी झिझक मत करिए। बिल्कुल एक माँ की तरह खाना खिलाते इन हाथों को आप जितना भी सलाम भेजें वो कम है। सरिता सरिता के साथ थी, बस कोई भी नहीं था। याद है कि बेटी ने भी एक्सेप्ट नहीं करा था, उसको भी एक्सेप्ट करने में 3.5 महीने लगे। बहुत खुश है, इतनी इज्जत उसको नहीं पता था भाई हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली उसको मेरा मोटो नहीं पता था, कंसर्न ये नहीं पता था कि मेरी मदर का क्या पर्पस है। वो तो कहती थी जब आप कमा सकते हो तो आप नौकरी में कमाओ, बट मैं जिस खाने को खिलाना चाहती थी, पैसा और बिना पैसा दोनों तरीके से। तो यहाँ आने का पर्पस वही है ना सर, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो मैं नौकरी में कमा ही रही थी। यहाँ आने का पर्पस ये था कि अपने हाथ से मैं खाना खिला सकूं, चाहे वो पैसे के साथ हो या बिना पैसे के साथ। अगर किसी के पास नहीं है, जब हो वो तब दे दें, बाकी कोई बात नहीं, जितना हो उतना खा ले, बस मेन ये कि खाना खा ले। ऐसी तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आज भी मानवता जिंदा है, आज भी लोगों के दिलों में आत्मीयता है। हर कोई पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, कुछ लोग इस समाज में हैं जो किसी को भी भूखे नहीं देख सकते, जिनके लिए खाना बड़ी बात है और भूखों का पेट भरना उससे भी बड़ी बात। तभी तो बिना किसी की परवाह किए लोगों का पेट भरे जा रहे। आप भी जब कभी इस रास्ते से गुजरिएगा तो राजमा चावल का स्वाद जरूर लीजिएगा, और हाँ सलाम करना मत भूलिएगा। हो सके तो मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ाइएगा, एक से भले दो, दो से भले चार, तभी तो दिलवालों की दिल्ली हमेशा गुलजार रहेगी।